नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित सोलंकी, आई स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल इंदौर। पूरे विश्व में इस साल 6 मार्च से 12 मार्च तक वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक का आयोजन करके अलग अलग गतिविधियों से लोगों को ग्लोकोमा के बारे में अवेयर किया जा रहा है। ग्लोकोमा क्या है? ग्लोकोमा यानी आंखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से आंखों की ऑप्टिक नर्व्स सूख जाती है, उससे विजन पूरी तरह से चला जाता है। और ग्लोकोमा में एक बार दृष्टि चली गई फिर वो वापस नहीं आ सकती है, इसीलिए ग्लोकोमा को प्रारंभिक अवस्था में ही उसका निदान और उपचार करना जरूरी है। एक शोध के अनुसार ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर एट रिस्क टू डेवलप द ग्लोकोमा एंड ऑलमोस्ट ओवर 2 लाख पीपल आउट ऑफ देम दे हैव अ रिस्क टू लूज द साइट, इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोगों को अभी तक ये था कि 40 इयर्स के बाद ही उसका रिस्क बढ़ता है, लेकिन इस शोध में माना गया है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ दीज पीपल आर अंडर द एज ऑफ 35 इयर्स, यानी कि आज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से यंग पेशेंट्स में भी ग्लोकोमा का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए ग्लोकोमा के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। ग्लोकोमा जो है उसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट यानी कि दृष्टि का छिपा चोर कहते हैं, क्योंकि उसकी प्रारंभिक अवस्था में पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स को बाद के स्टेज में आंखों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, आंखें लाल होना, धुंधला दिखाई देना या खास करके रोशनी में रंगीन छल्ले दिखाई देते हैं, राइट? तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो आज ही अपने आई स्पेशलिस्ट से जाके ग्लोकोमा के बारे में जांच कराइए। अब ग्लोकोमा का रिस्क फैक्टर किस किस को है, किसको ग्लोकोमा होने का खतरा ज्यादा है, तो नंबर 1 पॉइंट इज फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को भी ग्लोकोमा है तो आपको ग्लोकोमा होने का खतरा 10 टाइम्स बढ़ जाता है। दूसरी चीज होती है एज फैक्टर, जैसे मैंने बताया कि यंग एज में भी उसका खतरा है, लेकिन 40 ईयर्स के एज के बाद हर 4 व्यक्ति में से एक को ग्लोकोमा होने का खतरा ज्यादा है। उसके अलावा अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो वो भी आपको ग्लोकोमा होने का खतरा है। अतीत में किसी भी प्रकार की चोट या जटिल आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो भी ग्लोकोमा हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने लंबे समय तक स्टीरोइड्स का सेवन किया है, जैसे कि अभी हमने देखा कि कोविड पेंडेमिक में स्टीरोइड्स काफी दिया जा रहा था, तो हमारे पास उस दरमियान बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ गए जो स्टीरोइड्स की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कैटरेक्ट या ग्लोकोमा लेके आ रहे थे। तो स्टीरोइड भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ग्लोकोमा होने का। हमें करना क्या है, हमें हमारी दृष्टि को ग्लोकोमा से बचाने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही उसका निदान करना है। तो मैंने जो भी बताया, अगर आप उस रिस्क फैक्टर्स में आते हो या अगर आपको उस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो आज ही अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए और ग्लोकोमा की जांच करवाइए। धन्यवाद।